एक वक्त था जब दुनिया में कोई मुद्रा नहीं थी, सिर्फ वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन होता था। लेकिन उसके बाद नोट और सिक्के अस्तित्व में आए और लेन देन का तरीका पूरी तरह से बदल गया। यही नोट और सिक्के हमारी मुख्य करेंसी हैं, लेकिन इसके अलावा भी एक करेंसी है जो पूरी तरह डिजिटल है, इसे क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है। लेकिन लोगों के मन में सवाल होगा कि आखिर ये क्रिप्टो करेंसी बला क्या है, तो आइए सरल भाषा में समझते हैं हमारे विशेषज्ञ साइबर एक्सपर्ट उम्मेद मील जी से कि आखिर ये क्रिप्टो करेंसी क्या है। अगर आजकल अगर हम बात करें तो दुनिया भर में ये चर्चा का एक बहुत ही अहम टॉपिक बना हुआ है कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। कुछ लोग इसमें इन्वेस्टमेंट को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, या फिर कई तरह की कंफ्यूजन है कि क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लीगल है कि नहीं। तो सबसे फेमस जो क्रिप्टो करेंसी है, मैं उसके एग्जाम्पल से ही चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि बिटकॉइन, हम सब लोग जानते हैं कि बिटकॉइन एक बहुत ही फेमस क्रिप्टो करेंसी है। बिटकॉइन या कोई भी क्रिप्टो करेंसी हो, उसका बेसिक जो विजन था उसको बनाने या फिर बिल्ड करने के पीछे, वो ये था कि हम एक ऐसा अल्टरनेटिव पेमेंट मेथड लेके आए जहां कंप्लीट कैशलेस और जहां पर कोई भी सेंट्रल मॉनिटरिंग अथॉरिटी ना हो। जैसे आज अगर मुझे इंडिया में पैसे भेजने हो, एक पर्सन ए अगर पर्सन बी को पैसे भेजता है, तो वहां हमें सेंट्रल जो हमारी बैंकिंग अथॉरिटी है जैसे आरबीआई या फिर बैंकिंग जो मैनेजमेंट्स हैं उनके थ्रू जाना पड़ता है और हर एक ट्रांजेक्शन वहां मॉनिटर होता है। तो बिटकॉइन को सातोश नागासाकी ने अक्टूबर 2008 में इसी विजन के साथ बनाया था कि जब कोई भी यूजर अगर दूसरे यूजर को पैसे भेजता है, वहां पर किसी भी तरह की सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी या मॉनिटरिंग ना हो, वो एक ऐसा ट्रांजेक्शन हो जो सिर्फ यूजर्स के बीच में ही रहे और किसी भी एजेंसी का उसके ऊपर कोई भी कंट्रोल ना रहे। उस टाइम विजन सिर्फ ये था कि एक पैरेलल पेमेंट मेथड लेकर आना। लेकिन आज अगर आप पिछले कई सालों से उठाकर देखो तो लोग इसे एक इन्वेस्टमेंट के लिए करते हैं, जैसे हम नॉर्मल ट्रेडिंग करते हैं मार्केट में, वैसे ही क्रिप्टो करेंसीज की भी ट्रेडिंग होती है कि आप रिपल में लगा रहे हो, आप लाइट कॉइन या फिर बिटकॉइन में पैसे लगा रहे हो। और मार्च 2020 से लेकर अब तक इस करेंसी की बहुत ज्यादा, मैं कह सकता हूँ कि शायद 120% वैल्यू इंक्रीज हुई है। तो शायद ये भी एक पॉइंट है कि लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करा इन्वेस्टमेंट के लिए। अब क्रिप्टो करेंसी को कुछ इस तरह से समझते हैं कि जैसे हमारे पास कैश है, तो हर एक इसके लिए थोड़ा सा हमें इकोनॉमी को समझने की जरूरत पड़ेगी कि जब भी आप कोई भी करेंसी का कोई भी नोट हो, तो आप उस पर देखते हो कि क्लियरली लिखा होता है कि मैं धारक को 200 रुपये अदा करने का वचन देता हूं, और नीचे एक आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। तो यहां पर यही चीज है कि हर चीज ट्रस्ट पे चलती है। सिमिलरली ये एक सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी बेस्ड बैंकिंग सिस्टम है जहां हर एक चीज कंप्यूटर पर होस्ट है, डेटाबेस और सर्वर्स पे चल रही है, पूरा टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है, मैन पावर का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है किसी भी ट्रांजेक्शन में। जैसे मुझे किसी को पैसे भेजने, मैं ट्रांजेक्शन इनिशिएट करता हूं। अब पर्सन ए अगर पर्सन बी को पैसे भेज रहा है, तो पर्सन ए और बी के बीच में कुछ लोग होते हैं जो इस पूरे बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी सिस्टम को चलाते हैं, जिसे हम लोग माइनर्स कहते हैं। माइनर्स का बेसिकली काम ये होता है कि किसने पैसे भेजा या बिटकॉइन भेजना के लिए रिक्वेस्ट करिए, और किसके वॉलेट या फिर एड्रेस पर वो रिसीव होगा। उस केस में माइनर की ये ड्यूटी है कि वो एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल एल्गोरिथम होती है, उसे वो सॉल्व करे, और उसके लिए भी उसको मैनुअल एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं होती। हाईली कॉन्फिगर्ड लैपटॉप और सर्वर्स होते हैं, उसकी हेल्प से माइनर ये वेरीफाई करते हैं कि यस, जिसने भी ट्रांजेक्शन इनिशिएट किया उसके वॉलेट में इतना बिटकॉइन बैलेंस है या क्रिप्टो करेंसी बैलेंस है, और वो इस पर्टिकुलर यूजर बी के अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहता है। सो माइनर्स को भी उनका कुछ कमीशन मिल जाता है और पेमेंट ट्रांसफर हो जाता है। तो ये एक कम्प्लीटली एक पैरेलल प्रोसेस है जो कि किसी भी कंट्री में है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।